दायंगल रे सगला दर्शका ने दीपाली माथुरी राम राम। राजस्थान की खबर माए थाको स्वागत छे। नजर डाल से ई वक्त री मुख्य खबर पर। पेट्रोल डीजल रे बढ़ता दाम और महंगाई रे खिलाफ कांग्रेस रो हल्ला बोल। राजस्थान री सड़का पर भी विरोध माए उतरी कांग्रेस। कांग्रेस रा प्रदर्शन पर बीजेपी रो पलटवार। प्रदर्शन ने बताई नौटंकी, बोली राजस्थान सरकार कम करे पेट्रोल डीजल पर वैट। रीता बहुगुणा जोशी रे बयान पर सचिन पायलट रो पलटवार, बोलिया के वह सचिन तेंदुलकर री बात कर रही हो सी, मारा सु बात कर बारी हिम्मत को नीचे। बालोतरा माए विधायक मदन प्रजापत रे नेतृत्व माए मोदी सरकार रे खिलाफ करियो गयो प्रदर्शन, महंगाई कम कर बारी की मांग। पेट्रोल डीजल रा बढ़ता दाम और महंगाई ने लेर आज कांग्रेस ही विरोध प्रदर्शन करिया। ई प्रदर्शन माए सगला कांग्रेसी नेता शामिल हुआ। प्रदर्शन माए केंद्र सरकार रे खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोलिया के देश माए महंगाई आसमान छूरी छे, मोदी चाय वालों को बेटा बन देश माए उम्मीद जगाई छी, पण अब देश सु छलावा कर रिया छे, बच्चा ने गलत बात सिखा रिया छे मोदी। इके सागे ही सचिन पायलट भी केंद्र सरकार पर निशाना साधता बोलिया के लगातार महंगाई बढ़नो सरकार री बदनीयत छे। पायलट बोलिया के जल्द ही केंद्र सरकार रो अहंकार और घमंड टूट सी, मां के प्रदर्शन सु सरकार पर दबाव पड़ सी और वहां ने दाम कम करनो पड़ सी। वटे ही सिरोही का शिवगंज कांग्रेस कार्यालय सु भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा महंगाई ने लेर साइकिल रैली निकाली गई, जी में निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा भी भाग लियो, जिससे आम व्यक्ति का जीना दूभर हो रहा है। जब मोदी जी एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री के प्रत्याशी बने थे तब उनके एक एक बात को देख लीजिए, उनके एजेंडे को देख लीजिए, उन्होंने प्रधानमंत्री घोषित होने के बाद में जो बातें कही उनको याद करने की आज आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, एनडीए गवर्नमेंट आ गई, तो हम लोग महंगाई कम करेंगे। उन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ बेरोजगारों को 1 साल में सरकारी नौकरियां देंगे। उन्होंने पता नहीं कितने वादे किए थे। वटे ही कांग्रेस रे प्रदर्शन ने लेर बीजेपी पलटवार करियो छे। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कांग्रेस पर निशाना साधता बोलिया के कांग्रेस पेट्रोल री महंगाई ने लेर नाटक कर रही छे। जी के ताई मैं प्रदेश कांग्रेस सु पूछना चाहू छू कि सगला देश में पेट्रोल और डीजल रा दाम एक सच है, यो निर्णय तो केंद्र सरकार को छे, पर राज्य री सरकार भी तो वैट लगा रखी छे, और राजस्थान री सरकार ने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वैट लगा रखियो छे। अठे पेट्रोल पर 36% वैट छे और डीजल पर 26% को वैट छे। कटारिया बोलिया के कम सु कम आप अपनी सरकार सु इतनो कहो कि गुजरात हरियाणा मध्य प्रदेश के जितनो वैट कर दो, ताकि थे राजस्थान रा लोगा ने कुछ राहत दे सको। प्रदेश माए लगातार पायलट खेमा रे बगावत री खबरा सामने आ रही छे। इके बीच रीता बहुगुणा जोशी रो भी एक बयान सामने आयो छे, जी माए जोशी बोल रही छे कि सचिन पायलट कांग्रेस माए आराम सुकोनी छे, वे जल्द ही बीजेपी माए आ सके छे। रीता बहुगुणा जोशी रा ई बयान पर सचिन पायलट पलटवार करता हुआ तंज कस्यो छे। आज कांग्रेस रा महंगाई रे विरोध माए प्रदर्शन माए सचिन पायलट बोलिया कि रीता बहुगुणा जोशी सचिन री बात कर रही छे, हो सके छे कि सचिन तेंदुलकर रेताई बोल रही छो, मारे सु बात कर बारी वाकी हिम्मत को नीचे। आज राजस्थान रा किसान नेता राजेश पायलट री पुण्यतिथि छे। इके तहत सचिन पायलट आज अपने पिता ने श्रद्धांजलि देवर रताई 2,000 पौधारोपण करिया। पायलट बोलिया के पूर्ण तत्परता और समर्पण रे सागे देश सेवा के ताई मारा पिता को दृढ़ संकल्प पर कर्म भूमि सु जुड़ाव में सभी रताई प्रेरणा स्रोत छे। किसान युवा और समाज रे प्रत्येक वर्ग रे हित और जन कल्याण रे प्रति वाका विचार और कार्य सदैव मारो मार्गदर्शन करता रहेला। वाका आदर्श रे प्रति समर्पित रहनो ही मारे जीवन रो ध्येय छे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रे सागे सगला कांग्रेसी नेता राजेश पायलट ने श्रद्धांजलि दी। बाड़मेर के गुड़ामलानी सु कांग्रेस रा वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सु मुलाकात करिया। ई मौका पर चौधरी मीडिया सु मुखातिब होर बोलिया के वे अपने इस्तीफा देबर ई बात पर अडिक छे। हेमाराम चौधरी बतायो कि मारी आत्मा बोले तो मैं इस्तीफा दे दियो, पायलट सु पूछ इस्तीफा को नहीं दियो। हेमाराम चौधरी आज या काल विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सु भी मिल सके छे, जी के बाद ही इस्तीफा ने लेर कोई फैसलो हो सी। पायलट साहब ने क्या कहा, मैंने पायलट साहब पूछ के थोड़ी मेरी आत्मा कहा।
जयपुर ग्रेटर नगर निगम री महापौर सौम्या गुर्जर रे निलंबन मामला माए आज राजस्थान हाईकोर्ट माए सुनवाई हुई। अब सोमवार 14 जून ने ई मामला पर फिर सुनवाई होसी। आज न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश सी के सोनगरा री खंडपीठ माए यो सुनवाई हुई। याचिका माए स्वायत्त शासन विभाग के आदेश ने चुनौती दी गई। ई दौरान अदालत माए डॉक्टर सौम्या रे वकील आपनो पक्ष राख्यो, वटे ही राज्य सरकार रा अधिवक्ता भी कोर्ट रे समक्ष तथ्यात्मक बिंदु राख्या। बालोतरा माए भी पेट्रोल डीजल रे बढ़ती कीमता और महंगाई रे खिलाफ प्रदर्शन हुयो। बालोतरा माए विधायक मदन प्रजापत रे नेतृत्व माए कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करिया। ई मौका पर सगला कांग्रेसी नेता मोदी सरकार रे खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन माए पेट्रोल डीजल ने कम करबा री मांग करी गई। डीडवाना कुचामन और नावा माए भी कांग्रेसी कार्यकर्ता महंगाई ने लेर आपनो विरोध जतायो। डीडवाना शहर माए बस स्टैंड के पास पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इकी तरह ही कुचामन माए उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी की अगुवाई माए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पेट्रोल डीजल के भाव कम कर बारी मांग की। कुछ चुनाव आता है, गांव पटना बंद हो जाते हैं, और जब भी कुछ चुनाव हो जाता है, जब इनकी हार हो जाती है, तो अगले तीसरे दिनों में ही ये वापस अपना पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा देते हैं। बंगाल का चुनाव इन्होंने हारा और हारने के बाद से कोई भी एक ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन इन्होंने पेट्रोल डीजल इंजन का दाम नहीं बढ़ाया। आज पेट्रोल 2 रुपये लीटर, डीजल 2 रुपये के नज़दीक, गैस का सिलेंडर, आज गृहणियाँ जो कोस रही है मोदी सरकार, तो पहले इनको लगता था कि सरकार आ जाएगी तो हमारा घर का जो खर्चा है, रसोई का खर्चा है, वो कंट्रोल में आ जाएगा। हर प्रकार का खर्चा बढ़ गया, पेट्रोल डीजल और इंजन, राशन का किराना का सामान का भी बढ़ता है, सब्जी का भी बढ़ता है, हर प्रकार की महंगाई आती है। प्रदेश माए आज बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ता दामा रे खिलाफ प्रदर्शन करियो गयो। वटे ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्व सचिव जेके जैन कालाडेरा रे नेतृत्व माए झारखंड मोड़ स्थित पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करियो। ई अवसर पर जेके जैन कालाडेरा बोलिया के केंद्र सरकार री गलत नीतियां सु पेट्रोल डीजल 100 रुपया पार हो चुका छे। गैस री कीमता माए बेतहाशा वृद्धि हो रही छे। आर्थिक सुस्ती, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई रे कारण आम जनता त्रस्त छे। जैन कालाडेरा बोलिया के केंद्र सरकार ने बढ़ी हुई कीमता ने तुरंत वापस लेनो चाहिए। इशू नहीं हुयो तो ई ने जन आंदोलन बनायो जाए लो। प्रदर्शन माए जेके जैन कालाडेरा, मोहित जैन रे सागे अनेक कार्यकर्ता मौजूद रिया। सीकर रे रिंगस माए किसान नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट री 21वीं पुण्यतिथि मनाई गयी। पुण्यतिथि कस्बा रा प्रसिद्ध लोक देवता भैरू बाबा मंदिर प्रांगण माए प्रेरणा दिवस रे रूप माए मनाई गई। श्रद्धांजलि समारोह आयोजन भैरू जी मंदिर कमेटी और कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के संयुक्त तत्वावधान माए हुयो। सभा ने संबोधित करता हुआ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश बाजिया, उपाध्यक्ष सुरज्ञान धाबाई, कांग्रेस नगर अध्यक्ष प्रदीप शर्मा और भैरू जी मंदिर कमेटी कोषाध्यक्ष माम राम गुर्जर ने स्वर्गीय राजेश पायलट ने किसान व मजदूरों का मसीहो बतायो। पायलट द्वारा जनहित माए किया गया कार्य व्याख्यान करियो गयो। श्रद्धांजलि कार्यक्रम रे दौरान उपस्थित जना ने 2 मिनट का मौन धारण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सरगोट ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल, कांग्रेस नेता कैलाश कुमावत, फूलचंद गुर्जर, गोपाल कजोड़मल, रामस्वरूप गुर्जर सहित मूलचंद घना लोग मौजूद रहे। आज 21वीं पुण्यतिथि राजेश की पायलट जिनका सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनकी आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। रिंगस ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कैलाश जी बाजिया के नेतृत्व में मैं, प्रदीप शर्मा, सुरज्ञान जी धाबाई उपाध्यक्ष, सुरेंद्र जी बेनीवाल उपाध्यक्ष नगर पालिका, अमित जी व पार्षदगण, आज सभी ने इसमें भाग लिया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपुर जिला माए आज 18 साल से अधिक उम्र के लोगों रेताई एक दिवसीय टीकाकरण शिविर रो आयोजन करियो गयो, जिमे वैक्सीन लगवाने वाला लोगों री भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान जोबने, रेनवाल और बदाल PHC और CHC पर टीकाकरण रे दौरान सामाजिक दूरी री धज्जिया उड़ती दिखी। इस मौका पर युवा और महिलाओं री भीड़ ज्यादा नजर आई। हालांकि भीड़ ने नियंत्रण करवा रेताई पुलिस बल भी तैनात रियो। रिंगस पुलिस एक 12 साल से फरार मुलजिम ने पकड़ियो छे। सीकर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप री ओर से चलायो जा रियो स्थायी वारंटिया री धरपकड़ अभियान रे तहत रिंगस पुलिस ने 12 साल से फरार चल रियो स्थायी वारंटी ने गिरफ्तार कियो छे।
हेड कांस्टेबल कैलाश चंद ने बताया कि वर्ष 2009 से दुर्घटना करके फरार चाल रियो हरियाणा निवासी स्थायी वारंटी तेजपाल पुत्र महेंद्र सिंह राजपूत ने गिरफ्तार कर लियो छे। आरोपी नु वीसी के जरिए दाता रामगढ़ न्यायालय पेश करियो गयो, जटे सु उन्हें जेल भेजवा रो आदेश दियो गयो छे। आरोपी री RTPCI रिपोर्ट आवा के पाछे जेल भेजने की कार्रवाई की जावेली। स्थायी वारंटी को पकड़वा माए थाना प्रभारी बद्री प्रसाद मीणा के निर्देशन माए हेड कांस्टेबल कैलाश चंद, कांस्टेबल अजय कुमार, मुकेश कुमार व सचिन ने सराहनीय भूमिका निभाई छे। सुनो, महेंद्र सिंह जाति राजपूत निवासी खेड़ी कोटी थाना अटेली मंडी जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा, करीबन 11 साल से दुर्घटना करके फरार चल रहा था, जिसका स्थायी वारंट 11 साल से स्थायी वारंट चल रहा था थाने पर, जिसको कल दिनांक 9/6/21 को गिरफ्तार किया जाकर आज माननीय न्यायालय SCGM दाता रामगढ़ को जरिए VC पेश किए गए, जिसको श्रीमान ने JC फरमाया, इसको दाखिल जेल करवाया जाए। राजधानी जयपुर री एलिवेटेड रोड माए दर्दनाक हादसो हो गयो। जयपुर री एलिवेटेड सड़क माए हुयो दर्दनाक हादसो, तेज रफ्तार रे कारण हुयो हादसो। हादसा माए बाइक सवार युवक युवती री मौका पर मौत। दोनों मृतक बताया जा रहा छे नागौर रा रहवाला। सूचना मिलता ही मौका पर पहुंची सोडाला थाना पुलिस, शवा ने SMS रे मुर्दा घर माए रखवायो। राजस्थान री खबर माए फिलहाल इतनो ही। राम राम।